दोस्तों नमस्कार। आज आपका आपके लिए लाया हूँ एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो, और आप प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा और कुछ अच्छा लेने लायक होगा तो प्लीज़ ले लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक कर देना। ओके, तो चलिए करते स्टार्ट आज का जो वीडियो है उसको। ओके चलो नमस्कार। देखिए आज मेरे शॉप में एक जो एम्पलीफायर होता है 44-40 का जो होम यूज होता है वो आया था रिपेयरिंग के लिए। आप देख सकते हैं मैंने पावर ऑन किया लेकिन इसमें जो यूएसबी जो चलना चाहिए वो नहीं चल रही है। ये जो देखिए यहाँ पर पावर आ चुका है लेकिन यूएसबी का जो डिस्प्ले होना चाहिए वो नहीं आ रहा है यूएसबी कार्ड का, तो ये क्यों नहीं आ रहा है देखेंगे अभी। इसके पहले वोल्टेज चेक करते हैं क्योंकि इसके ऊपर जब वोल्टेज आएंगे तभी ये डिस्प्ले चालू हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। और कभी वोल्टेज आते हैं तो हमें डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो वोल्टेज इन होते हैं चेक करेंगे, यहाँ पर 12 वोल्ट ओके है लेकिन देखिए यहाँ पर 1.3 वोल्टेज है तो 1.3 वोल्टेज हमें नहीं चलेगा, हमें कम से कम 5 वोल्ट चाहिए उसको चलाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम पहले कार्ड शॉर्ट है कि वो भी देखते हैं क्योंकि कभी कभी कार्ड शॉर्ट हो जाता है तभी भी वोल्टेज नहीं आ पाते यूएसबी कार्ड में। तो पहले हम इसकी जो सॉकेट है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो सॉकेट है यहाँ पर वोल्टेज हम चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक ग्राउंड देते हैं और यहाँ पर देखिए ये भी ग्राउंड है और दूसरा पिन देखिए यहाँ पर 2 वोल्ट आ रहा है। देखिए पहले जब यहाँ पर लगाया था हमने तो 1.3 वोल्ट आ रहा था, सॉकेट से निकाला 2.4 वोल्टेज आ रहा है। ओके, तो तभी भी हमें ये नहीं चलेगा क्योंकि कम से कम 5 वोल्ट चाहिए। तो ये कभी रेगुलेटर होता है 7805 का, ये कभी कभी ख़राब होने के वजह से ये वोल्टेज पूरा नहीं आ पाता, तो ये हमें चेंज करके देखना पड़ेगा। तो चलिए इसकी जो सबसे पहले टीकेआर किट हम खोल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं और देखिए मैंने अभी टीकेआर खोला, यहाँ पर हमें डिसोल्ड करके इसका जो पॉइंट है निकालना पड़ेगा और उसके बाद इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ये जो रेगुलेटर आईसी है ये ख़राब हो चुका है। ये आईसी क्या काम करता है दोस्तों, ये आईसी 12 वोल्ट इन करता है और 5 वोल्ट आउट करता है। तो ये 5 वोल्ट जो आउट करता है यही 5 वोल्ट जो होता है ये हमारा यूएसबी कार्ड के लिए चला जाता है। यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट इन हो रहा है लेकिन 5 वोल्ट आउट नहीं हो रहा है यहाँ से, तो हमें ऐसी पोजीशन में यहाँ पर एक जनरल डायोड भी लगा हुआ रहता है उसके 5 वोल्ट के बाजू में। तो ये 5 वोल्ट के बाजू में जब हम जेनर डायोड लगाते हैं तो ये जेनर कभी कभी शॉर्ट होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो मैंने जेनर चेक किया था तो जेनर का कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो हमें सबसे पहले इसका जो रेगुलेटर आईसी है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये रेगुलेटर आईसी चेंज करने के बाद देखते हैं कि ये वोल्टेज आ पाता है या नहीं। ओके, तो चलिए ये थोड़ा डिसोल्ड करने के बाद हमें पता चलेगा, ये निकालने के बाद भी पता चलेगा कि ये रेगुलेटर आईसी ओके है या नहीं। ओके, तो चलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। ओके चलिए, ये हमें अभी धीरे से निकाला उसको और ओके, तो चलिए यहाँ पर डिसोल्व हो चुका है और थोड़ा गर्म भी हो चुका है यहाँ पर, तो इसको मैं अभी किट के बाहर निकाल लेता हूँ।
और आपको देखा था वो कौन सा जो रेगुलेटर आईसी था का वो वोल्टेज नहीं दे पा रहा था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो रेगुलेटर आईसी है ये ख़राब हो चुका था, 7805। ओके, तो अभी चलिए यहाँ पर इसकी जगह डायरेक्टली नया जो रेगुलेटर आईसी वो हम फिटिंग करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये जो वोल्टेज है 5 वोल्ट आ पाता है या नहीं। ओके, पहले तो इसको जो हीट सिंक है पुराने वाली उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद जो नया रेगुलेटर आई से उसकी जगह पे हमें ये फिटिंग करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैंने अभी जो रेगुलेटर आई से ये नया ले लिया है, और देखिए यहाँ पर ये आईसी मेरे हाथ में है जो अभी हम ये जो हीट सिंक है यहाँ पर ये लगाएंगे जो पुरानी वाली हीट सिंक है। ओके, यहाँ पर इस तरह से फिटिंग कर लेते हैं। ओके सॉरी, तो चलिए यहाँ पर ये फिट हो चुका है, और जैसे पुराना जो फिटिंग था वैसे हम यहाँ पर फिटिंग कर लेते हैं। उससे पहले इसके जो शोल्डरिंग थे ये जो ओके, तो यहाँ पर देखिए ये अभी जो नया ले लिया है यहाँ पर सेम कंडीशन में हमें लगाना है। लगाते वक्त ये देखना है या ओके लगाया है या नहीं लगाया है, क्योंकि ये उल्टा पुल्टा हो गया तो हमारा आईसी उड़ सकता है, या आगे कब हम कभी सॉकेट भी लगाते हैं तो कार्ड भी उड़ सकता है, ये ख्याल में रखिएगा, क्योंकि इससे 12 वोल्ट इन होता है या 5 वोल्ट आउट होता है। ओके, तो जैसे पहले लगाया था वैसा ही आपको लगाना है, ये ख्याल में रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर अभी इसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं, तीनों भी पॉइंट अच्छी तरह से सोल्डरिंग करते हैं, और आपस में कभी एक पिन दूसरे से कभी ऐसी टच हो ना जाए, इस तरह से हमें सोल्डरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट हो गई तो प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो रेगुलेटर आईसी था जो पुराना था वो निकाल के हमने नया लगा लिया है, और लगाने के बाद इसको थोड़ा सा साफ करते हैं थिनर से, थिनर डाल के यहाँ पर ब्रश से क्लीन करेंगे, क्योंकि काम अच्छा और साफ सुथरा दिखना चाहिए। इसके लिए एकदम क्लीन कर लेते हैं वहाँ पर, कि कौन सी भी पार्ट हमें डाला नहीं है ऐसा दिखना चाहिए, एकदम खिचड़ी जैसा नहीं दिखना चाहिए, तो इसीलिए एकदम क्लीन कर लेते हैं। देखिए एकदम सेम पहले जैसा दिख रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैंने रेगुलेटर आईसी ले डाल दिया है, यहाँ पर एक स्क्रू लगा देते हैं, जो स्क्रू निकाला था वो हीट सिंक का स्क्रू है। दोस्तों मैं पूरा ये जो प्रैक्टिकल करके ही बताता हूँ, क्योंकि जो भी नए लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो हो सकता है ये, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादातर स्किप नहीं करता वीडियो, क्योंकि पूरी जो जानकारी चाहिए वो होनी चाहिए, तो इसके लिए ओके। इस तरह से देखिए यहाँ पर अभी मैं जो पावर दे दिया है यहाँ पर, और वोल्टेजेस चेक करते हैं कि हमारा 5 वोल्ट जो नया रेगुलेटर आईसी बिठा है यहाँ पर आता है या नहीं। तो देखिए मल्टीमीटर में यहाँ पर 17 वोल्ट इन हो रहा है और 4 वोल्ट आउट हो रहा है, 4.97 मतलब 5 वोल्ट कम से कम
दे रहा है, ओके। अपने को हमें जो वोल्टेज होना चाहिए ना वो कंप्लीट दे रहा है वो 5 वोल्ट, ओके। 4.96 मतलब 5 वोल्ट हो चुका है, ओके। तो अभी देखिए, मैंने ये पिन पहले से क्यों निकाला हुआ था, क्योंकि डायरेक्टली कभी हमें ऐसा कुछ काम करते हैं, आईसी डालते हैं, तो ये वायर निकाल के रखना पड़ता है। कभी कभी जो नया आईसी होता है वो भी फॉल्टी आता है और 12 to 12 भी भेज सकता है, ओके। तो इसके लिए पहले हमें ये जो सॉकेट है वो निकाल के फिर चेक करके फिर लगाना पड़ेगा, ओके। तो इस तरह से ये करना पड़ेगा काम, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, ओके। तो चलिए यहाँ पर डिस्प्ले देखते हैं आया है कि नहीं, ओके। ये देखिए यहाँ पर जो डिस्प्ले था हमारा यूएसबी का वो चालू हो चुका है, और जो हमारा प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है, ओके। यहाँ पर देखिए पूरा यूएसबी जो है हमारा चालू हो चुका है। और ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियो है मैं मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ, और बहुत सारे एजुकेशन वीडियो भी मेरे चैनल पे है। तो आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को विजिट दीजिएगा, और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको लाइक करना, शेयर करना। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक मेरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। यहाँ पर देखिए जो अपना यूएसबी मैंने कार्ड रीडर भी लगा लिया है, मेमोरी कार्ड लगा के, तो ये अपना वीडियो यहाँ तक ही पूरा हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर गाना भी बज रहा है, लेकिन मैं कॉपीराइट के हिसाब से आपको गाना नहीं सुना सकता। जो अपना प्रॉब्लम था वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।